लुधियाना की कोचर मार्केट च स्थित जन औषधि सेंटर का कार्यपाल संभाल रहे अज हरजोत सिंह सैनी वालों मुफ्त दवाइया का लंगर लाया गया। इस दौरान लोड़वंदा उन्हों की लोड़ के मुताबिक मुफ्त दवाइया वंडिया गई ने। इस प्रणाली की खास तौर पर शलाघा करने लिए लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरनजीत सिंह बैंस भी पहुंचे ने, जिन्हों ने कहा है कि एक चंगा उपराला है क्योंकि चाह पकौड़े और होरना खाने चीज़ों का लंगर का हर कोई लांद है, पर अब सब तो ज़्यादा लोड़ दवाइया की है। इस नौजवान वालों दवाइया लंगर ला के समाज में एक नवा सुनेहा दिता गया। अज बड़ी खुशी की गल है, छोटे वीर नौजवान ने एक बहुत वड्डा उद्यम से उपराला किया, दवाइया का लंगर आप चाह का दुध का पकौड़िया का प्रशादे रोटी पानी का लंगर सुनते हैं, पर अज दवाइया का लंगर बहुत वड्डा माण ते फख्र महसूस हो रहा। छोटे वीर का नाम हैगा हरजोत सिंह सैनी। इन्हां ने जिहड़ी जेनरिक मेडिसन हैगी आ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्टोर चला रहे हैं, तो अज संडे का दिन इन्होंने जिहड़े जरूरतमंद पेशेंट हैगे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उन्होंने कोल, उन्होंने दवाई फ्री दे विच वाहिगुरु जिन्ने लोग इत्थों दवाई लैके उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शिश करे मेरी कामना। एक अवेयरनैस तुरी है, एक जागरूकता तुरी आ मोदीखाने तो कह लो लॉकडाउन के मात्र लोग तीन टाइम की रोटी तो आवाजार हो गए, अपने बच्चों दियाँ कॉलेज स्कूलों दियाँ फीसा भरन तो आतर हो गए, बिजली का बिल भरन तो असमर्थ हो गए। इस समय के बख बख समाज सेवी संस्थावान ने आपो अपना योगदान दिता। गुरु नानक साहब के पाए हुए पूरनिया से चल के तेरा तेरा तोलन वाला कंसैप्ट लुधियाने के मेरे छोटे वीर ने स्टार्ट किया, मैं उस दिन जाके आया एंड बाद दे विच बहुत सारा जिहड़ा लूट माफिया उन्होंने उन्होंने तंग परेशान करना भी शुरू किया, तो अज वो बाबे नानक की ऐसी कृपा हुई भी वह लुधियाने तो तुरिया, तो अज पूरे पंजाब नहीं नाल लगते गुआढ़ी सूबे के भी बहुत सारे NGO ने इस मॉडल एक्सैप्ट किया। और ये जन औषधि केंद्र एक गल दोस्तों बड़ी साफ तो स्पष्ट आ कि डॉक्टर साहबान साल्ट क्यों नहीं लिखते, कंपनी नेम क्यों लिखते हैं नंबर वन, जबकि सरकार का यह ऑर्डर से हुक्म आ कि कोई भी सत्कारयोग डॉक्टर कंपनी का नाम नहीं लिखेगा, वो साल्ट लिखे वह भी वड्डे अक्षरां दे विच लिखे मूसा पढ़े खुदा वाली गल नहीं। कई बार की हुंदा डॉक्टर इदां दे फ्लो च लिखता उन्हूं अपनी पढ़ी हुई दूसरी बारी परची समझ नहीं आती मैं लिखा की सीगा। नंबर दूसरा, मनो कि एलोपैथी दवाई हैगी आ 10 रुपये का पत्ता, तो उहदे ते मैक्सीमम रिटेल प्राइस लिखती 200 रुपया, मतलब कि 190 रुपये उत्ते रेट प्लस करता, सरकार कित्थे हैगी आ, इह मिली भुगत आ सरकार की दवाई बनाउण वालीआं कंपनियां दे नाल। सरकार ये ऑर्डर करे कि जिन्ने की दवाई हैगी आ जिन्ना तुसी मैक्सीमम रिटेल प्राइस उत्ते लिखिया, इह नहीं भी जो 10 रुपये की आ 10 की जगह तुसी कोई 5-7-10% वध लिख लो, ये नहीं भी तुसी 190% उन्होंने 200% 250% ज़्यादा लिख लो, ये आ सरकारां दी मिली भुगत। मैं ये कहूँगा कि सारे डॉक्टर साहबान सारे हॉस्पिटल एक तरह के नहीं, बहुत सारे डॉक्टर तो हॉस्पिटल चंगे भी है, ईमानदार भी है, पर अज वड्डी गिणती दुख ते अफसोस है कि साडे पुरखे कहिंदे सी वी भाई जिहड़े चिट्टे कोट वाले देवी देवते आ, देवी देवत्यां दे समान हैगे आ, ते जिहड़े हॉस्पिटल आ जिथे मनुख दी जान जाके जांदी जान बचदी आ, मनुख तंदरुस्त हो के हॉस्पिटल तो बाहर आउंदा उहनूं मंदिर ते गुरद्वारे दा रुतबा दिंदे हुंदे सी, पर अज अफसोस हो गया कि वड्डी गिणती दे विच चिट्टे कोटां वाले दोस्त जिहड़े आ उह धंधागिरी ते उतरे आ, मंदिर ते गुरुद्वारां दे सना समान जिहड़े साडे हॉस्पिटल सीगे अज उह इक लुट दा केंद्र बन गए। अज पंजाब दे अंदर करोना नूं लैके तराई तराई होई पई आ, PGI कोई पेशेंट जांदा किसे नूं हार्ट दी प्रॉब्लम है, किसे नूं कोई गुरदे दी किडनी दी, किसे नूं कोई ब्रेन दी प्रॉब्लम है, कोई इलाज नहीं हैगा उत्थे। रजिंद्रा हॉस्पिटल चले जाओ कोई इलाज नहीं हैगा उत्थे, आ दयानंद फोटे सपोलो किते चले जाओ तुसीं, उह कहिंदे ना जी ना कोई इलाज नहीं, मन लिया करोना हैगा, पर करोना की आड़ दे विच दूजियां बीमारियां दा इलाज करन तों कोरी ना हो जावे। मैं फिर कहूँगा कि सरकार ते तंत्र कित्थे हैगा, सिस्टम एंड गवर्नमेंट कित्थे है, शासन ते प्रशासन कित्थे हैगा, शासन जिहड़ा सैल्फ क्वारंटाइन हो गया, शासन असीं वोट पा के चुनदे हां, मुख्यमंत्री साहब गुफावासी हो गए, मुख्यमंत्री साहब सैल्फ क्वारंटाइन हो गए, जे
शासन मतलब के मुख्यमंत्री इनैक्शन हैगा ते फिर दोस्तों प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कम करता है स्पीड दे नाल कम करता है ते जदों शासन गुप्तवास हो गया जदों शासन गुफा दे विच बढ़ गया ते फिर प्रशासन अपनियां चमनियां चलाउंदा मानाइयां करता। अज अफसोस हुंदा कि साडे पंजाब दे हालात मुख्यमंत्री साहब जिहड़े सैल्फ क्वारंटाइन गुफावासी हो गए अज हालात साडे पंजाब दे एडमिनिस्ट्रेशन लैवल दे उत्ते बिल्कुल खत्म हो गए। कोई किसी पेशेंट की किसी होस्पिटल डॉक्टर दे कोले सुनवाई नहीं। सो मैं हरजोत सिंह सैनी का इन्हां दी सारी फैमिली का दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज दवाइयां का लंगर लाया। मेरी यह कामना गुरु के चरणों में यह नौजवान योधा इस तरह मात्र लोगों की सेवा करता रहे ते बाकी NGOs भी इहदे काम तो कोई ना कोई सेध लैके समाज में चंगी जिहड़ी किसी जरूरतमंद मात्र नूं बनदी मदद वो सारे देना शुरू कर दें। नहीं मैं केंद्र सरकार के जन औषधि खोलन के फैसले की तारीफ की है। मैं क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं जिहड़ी एलोपैथी हैगी है ना मैं एलोपैथी के उत्ते सरकारां चाहे वह सेंटर गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है मैं जन औषधि का कोई थोनू लांभा नहीं दिता कोई नुकताचीनी नहीं की। मैं जी एलोपैथी आ कंपनी 10 रुपये वाला पत्ता 200 रुपया लिख के गाहकों नूं लुट रही है कैमिस्ट लुट रहे हैं। मैं उहदी गल की है कि सरकारां दी मिली भुगत हैगी वड्डियां दवाई कंपनियां दे नाल नहीं। उन्हां दा कंसैप्ट जिहड़ा हैगा वह जन औषधि नूं लैके आउण दा कंसैप्ट इही आ कि जिहड़ियां एलोपैथी दे विच लोकां दी लुट हो रही है वह किसी ना किसी तरीके उस लुट नूं रोकण वास्ते एक राह रस्ता पर उस लुट नूं रोकण दा एक होर नेड़े दा रस्ता हैगा कि सारियां कंपनियां सरकार तों वब नहीं लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार साडी डेमोक्रेसी दे विच सुप्रीम हैगी आ ये मिली भुगत आ सरकारां दी। सरकार चाहे तो एलोपैथी के बिच भी जिहड़ी 10 रुपये वाला पत्ता 200 रुपये का बेच रहे कैमिस्ट कंपनियां दे नाल सरकारां दी मिली भुगत दे नाल बंद कराउणा समय की लोड़ हैगी।